सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने सख्त फैसलों और टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बार वकीलों की हरकत पर टिप्पणी करते हुए उसे चिंताजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं और वह तारीफ के साथ ही आलोचना भी स्वीकार कर सकती है, लेकिन लंबित मुकदमों या फैसलों पर वकीलों की टिप्पणी करना बहुत चिंताजनक है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बार के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते वक्त यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अदालत के अधिकारी हैं, आम आदमी नहीं। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान ही उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में बार न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों और अदालत की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए जरूरी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका बार बार अपनी स्वतंत्रता और गैर पक्षपातपूर्णता, कार्यपालिका और निहित राजनीतिक हितों से शक्ति के पृथक्करण के लिए आगे आई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध है। सीजेआई ने कहा कि एक संस्था के रूप में बार की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों और अदालत की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक जीवंत और तर्कपूर्ण लोकतंत्र में अधिकांश लोगों की एक राजनीतिक विचारधारा या झुकाव होता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, वकील कोई अपवाद नहीं है। हालांकि बार के सदस्यों के लिए किसी की सर्वोच्च निष्ठा पक्षपातपूर्णता हित के साथ ही नहीं बल्कि अदालत और संविधान के प्रति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले कठिन कार्यवाही, व्यापक न्यायिक विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम होते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन एक बार जब फैसला सुना दिया जाता है तो यह सार्वजनिक संपत्ति है। एक संस्था के तौर पर हमारे कंधे चौड़े हैं। हम प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।